आगे देखो बेटा पेज 218 में यहाँ पे क्या गिवन है आपको, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज आता है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कहाँ कहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, कौन कौन से, गीजर हो गया, ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और भी अदर हीटिंग अप्लायंसेस लाइक हीटर्स, ठीक है, वहां पे आपके यूज होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है प्रैक्टिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज फ्यूज। फ्यूज आप सबने सुना होगा कि जब ज्यादा करंट आ जाता है तो एकदम से फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्लियर। डिफरेंट रेटिंग्स के फ्यूज आपके पास आते हैं, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, अकॉर्डिंगली 10 एम्पेयर, ठीक है। अब फ्यूज का रोल क्या है, फ्यूज आपका क्या प्रिवेंट करता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है तो फ्यूज उसको रोकता है एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने से, क्लियर। क्योंकि अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी जिसकी वजह से आपके जो अप्लायंसेज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, क्लियर। अगर अप्लायंसेज में एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से उसमें वहां पे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्लियर, जिसकी वजह से आपके जो अप्लायंस है वो खराब हो सकते हैं। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं। अब फ्यूज का रोल क्या है, फ्यूज का रोल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर बेस्ड है कि अब अगर सपोज फ्यूज में ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो वो हीट अप होगा फ्यूज आपका, क्लियर। हीट अप होने की वजह से वो वहां पे मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद आपका सर्किट क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा, क्लियर। सर्किट ब्रेक करने से आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपके जो अप्लायंस हैं वहां तक आपकी जो हाई वो करंट आ रही है वो नहीं पहुंच पाएगी और आपके अप्लायंस सेफ हो जाएंगे डैमेज होने से, क्लियर हुआ बेटा सबको ये चीज, क्लियर। तो इस तरीके से फ्यूज का यूज करके हम अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब आजकल उसकी जगह पर क्या आ गया है, एमसीबी भी हम यूज करते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इसमें क्या होता है, वायर मेल्ट नहीं होती, इसमें एक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो क्या करता है कि अगर सपोज आपकी करंट एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो यहां पे स्विच ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा आपका, क्लियर। आपने भी घरों में कई बार देखा होगा जब ज्यादा तेज करंट आ जाती है तो आपकी एमसीबी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, क्लियर। वो इसीलिए, यानी वो आपके, यानी जब आपका करंट एक फिक्स्ड लिमिट से ऊपर चला जाता है तो वो सर्किट को ब्रेक करते हैं। अब सर्किट को ब्रेक कैसे करा जा सकता है, या तो कट करके, क्लियर, या फिर स्विच ऑफ करके, तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं, क्लियर। तो यानी कि आपकी आगे करंट नहीं जा पाती है, इसकी वजह से आपके जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाते हैं, क्लियर हुआ। यानी अब मॉडर्न डेज में आपके एमसीबीज यूज हो रही हैं, क्लियर। फ्यूज आपके घरों में वैसे भी आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए फ्यूज वगैरह यूज करते हैं, या मेन आपका जो सर्किट होगा, मेन मीटर जहां पे लगा होता है वहां पे आपका फ्यूज बॉक्स होगा एक, क्लियर। आगे सबको समझ में फ्यूज का रोल, ठीक है। नाउ तो ये तो हो गया आपका कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के, क्लियर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक तो हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम अपने डिवाइसेस प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर में क्या है, पावर का जैसे अभी हमने बताया, अभी पावर का फॉर्मूला हमने बना लिया, पावर क्या होता था, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम को एनर्जी अपॉन टाइम भी हम लिख सकते हैं, और फर्दर हीटिंग इफेक्ट यानी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। सो पावर के तीन फॉर्मूले आपने बना लिए हैं, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर बाय आर। नाउ
अब आप सबको पता होगा लास्ट ईयर, अब इसको हम क्या रीड करेंगे वैसे, इलेक्ट्रिक पावर, यानी हम ये जो पावर बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिक केसेस के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। क्लियर? नाउ अब पावर की ऐसा यूनिट, पावर का फॉर्मूला आपके लिए हो गया वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? आप सबको पता होगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्लियर? जो किसके नाम पे रखी गई थी? जेम्स वॉट के नाम पे, और स्मॉल लेटर्स में हम क्या डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से। क्लियर? नाउ अब बिगर यूनिट्स क्या है पावर की? 1 किलोवाट। किलोवाट, क्लियर? 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट्स, ठीक है। और एक और यूनिट स्पेशली यूज की जाती है, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल 12.10, इसमें हमें क्या गिवन है? एक तो पहले पावर आपको गिवन है 840 वॉट, जब वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है आपको। पोटेंशियल कितना है वहां पे? 220 वोल्ट। क्लियर? और दूसरी पावर दी आपको क्या? 360 वोल्ट, और पोटेंशियल उस टाइम पर भी सेम ही है बेटा, दैट इज 220 वोल्ट। अब दोनों केस में आपको क्या बताना है? करंट एंड रेजिस्टेंस। क्लियर? सो पावर का फॉर्मूला वी आई है आपका। क्लियर? तो अब यहां पर हम P1 और I1 कर रहे हैं बेटा, पोटेंशियल तो दोनों जगह सेम है। सो P1 इक्वल्स टू VI1 और यहां पे P2 इक्वल्स टू VI2। अब हमें I1 निकालना है, सो I1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? P1 बाय V, और I2 यहां पे क्या बन जाएगा? P2 बाय V। क्लियर? तो दोनों जगह हमें करंट सॉल्व करना है। सो P1 हो गया 840 बाय 220, और यहां पे I2 हो गया आपका 360 बाय 220। सो इनको डिवाइड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट यहां पे, अगेन यहां पे 2 से कट किया तो 11 बाय 42, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 3 33 3 9 बचा 98 220 बचा, तो 2 आ जाएगा आपका 3.82 एम्पेयर। क्लियर? और इस वाले में आपका I2 डिवाइड किया बेटा 2 से पहले 18 बाय 11, देन 11 1 11, 7 बचा आपका 70, 11 6 60, क्लियर? 4 बचा 40, तो 1.64 एम्पेयर यहां पे आ गया, और यहां पे 3.82 एम्पेयर आ गया। अब साथ में हमें यहां पे और क्या निकालना था? रेजिस्टेंस। अब साथ में हमें रेजिस्टेंस भी निकालना है। सो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? V upon I, V इक्वल टू IR होता है, तो वहां से आपका R इक्वल टू V upon I बन जाएगा। और इवन I को आप ये भी यूज कर सकते हो, 42 upon 22। देखो V आपका क्या है? 220। क्लियर? I को आप फ्रैक्शन में यूज करना चाहो तो 42 upon 11 यूज कर सकते हो बेटा, 42 upon 11, 11 ऊपर चला गया आपका। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहां R1 आ जाएगा, और ऐसी R2 आपका 220 upon 18 by 11, सो 18 into 11, 18 नीचे आ गया, 11 ऊपर चला गया आपका। क्लियर? इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बताओ एक बार, बुक से बताओ वैल्यू क्या है? 1 कितना है? 1.69। चलो ऐसे कैलकुलेट कर लेना, बाद में लिख लेना। 57.69
सिक्स ओम और ये 134 की 34 सिर्फ R2 ज्यादा है। अच्छा करंट आपका कम हो गया तो R2 ज्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल 12.11 में क्या क्या बने हमें कि हीट जो है वो कितनी है 100 जूल्स, क्लियर, और टाइम हमें कितना गिवन है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है V, क्लियर। तो जैसा कि आपको हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला पता है I2RT होता है, बट अगर हम इसको देखो I हमें नहीं पता है तो हम V की टर्म्स में लाना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, तो क्या करें I की जगह क्या लिख सकते हैं V upon R। तो V upon R का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू 100। अब यहां पे हमने बेटा एक तो पहले स्क्वायर अलग अलग कर दिया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी और 100 इधर है, ठीक है। एक आर आपका कैंसिल आउट हो गया, इस आर को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सो 100 इंटू आर की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू टी और टी की वैल्यू 1। सो आपका क्या बन गया 400 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया रूट फोर हंड्रेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 किसका स्क्वायर है 20, सो 20 इक्वल्स टू वी आ गया आपका, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट होगा वहां पे।